बीएसपी विधायक रामबाई ने भाजपा के पूर्व मंत्री जयंत बलैया व उनके पुत्र को आड़े हाथों लिया है और दो टूक शब्दों में समझाइश दी है कि उनसे मुकाबला करने के लिए एक और जन्म लेना पड़ेगा और उसमें भी उन्हें पहले पुण्य करने पड़ेंगे, क्योंकि पाप करने वाला व्यक्ति पुण्य करने वाले लोगों से जीत नहीं सकता। रामबाई ने साफ शब्दों में कहा कि उनके बेटे की सोच है कि दमोह जिले में कोई ऐसी घटना लगातार होती रहे जिससे जिले की शांति भंग हो जाए। 15 साल सत्ता में रहे हैं, खूब उठा पटक की है, खूब लोगों को मरवाया, पिटवाया, गड़वा दिया, जेल डलवा दिया, हमें भी कम परेशान नहीं किया है, खूब प्रताड़ित किया गया है। अगर हमसे मुकाबला करना है तो एक और जन्म लेना पड़ेगा। आइए सुनते हैं क्या कह रही है पथरिया विधायक रामबाई। मंत्री जी के बेटा ने ये काम किया है, उनकी लगातार ये सोच रही है कि जिले दमोह जिले में कोई ऐसी घटनाएं हों, शांति भंग हो, शांति से ना मतलब जनता रह सके, तो रेगुलर वो 4-5 महीने से ऐसे कृत्य कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। तब की अब देखो, उन्हें जनता ने जवाब दे दिया है, 15 साल तुमने सत्ता शासन किया, खूब उठा पटक की, इसको गाड़ा, उसको उखाड़ा, इसको पीटा, उसको मारा, इसको जेल पर, क्या क्या नहीं किया उनने। आज मेरे को ले लो आप, मुझे उनने कितना प्रताड़ित किया, मेरे ही कहीं ना कहीं मुझे लेके ही पत्रकार भाई के साथ ये घटना की है उनने, पर ये गलत है भाई। देखिए आज जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमसे जीत नहीं सकते, उन्हें अगर हमसे जीतना है तो अगले जन्म में पुण्य करें, फिर हमारे सामने आम है, क्योंकि पाप करने वाले पुण्य करने वालों से नहीं जीत सका, तो पहले पुण्य करो उसके बाद हमसे विधवे आइए। और अभी अगर बात कर रहे हैं भाई लड़ाई भिड़ाई की के पीट में, आज तक वो हमारों के लाने पर्दा के पीछे लड़ते रहे, अब भी सामने आ रहे तो हम कहते रहे कि अब माँ को दूध पियो हो उनने, तो आ हमारे सामने लड़ाई कर भी, सामने की लड़ाई लड़ लेना एक बार तो हो दम। तो ऐसे पत्रकार भाइयों को, आम जनता को, किसी को क्यों टारगेट बना रहे आप, सामने आओ भाई। इतनों तो उनने हमारों को कर दो है कि हमारे लड़े खड़े हो गए हो जे हैं, कैसे कि आज तक आतंकवादी घोषित तो नहीं करवा पाओ उनने, तो ना जान से मरवावे की कोशिश करी, जेलों में पड़वाओ, ऐसे कौन से कर्म हैं जो उन्होंने करे न हो, तो भी जीत नहीं सकते हैं। और पत्रकार भाइयों से हमारा निवेदन है और हम उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं आपके माध्यम से कि आप समय समय से अच्छी बुरी खबरें जनता के बीच में लात रहे थे, आप लोग कभी पीछे ना हटें, आप लोग अच्छे व्यक्ति हैं, एक न्यायशीलता आप रखते हैं, न्याय की अदालत के समान हैं आप। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।